बहुत मज़ा आया और बहुत एक्चुअली बहुत बड़ी बात है मेरे लिए पहले तो ये शो और उसके बाद इस शो में ऐसे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं दैट आई गॉट टू शूट विद अक्षय कुमार एंड वाओ मज़ा आया उनके साथ सीन करके और ऐसा लगा कि उनकी डेडिकेशन दिखी एज एन एक्टर विच इज़ इंस्पायरिंग इन अ वे जी उनकी जो फिल्म आने वाली है टॉयलेट बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और यू नो कुछ हटके है जैसे आजकल फिल्म आ रही है उससे और डील करते हैं एक बहुत बड़े इशू से हमारे इंडिया में जो है कि टॉयलेट्स नहीं है इंडिया में 54% लोगों के पास एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन टू हैव एटलीस्ट अ टॉयलेट जहाँ पर वो जा सकते हैं और ताकि उन्हें बाहर यू नो नहीं जाना पड़े जहाँ पर अनसेफ होता है उनके लिए बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नेचर कॉल एंड कभी भी रात को भी जाना पड़ सकता है सुबह भी सो आई थिंक वो फिल्म इस इशू से डील करती है एंड इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज ऑल्सो ऑफकोर्स क्यों नहीं आई एम अ गर्ल एंड एज अ वुमन आई टोटली अग्री टू द फैक्ट दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मतलब जब हम जैसे नेसेसिटी होती है रोटी कपड़ा मकान उसी में ये भी बहुत ज़रूरी है हाउ कैन वी थिंक यू नो खुले मैदान में यू नो वुमेन कैन गो आउट एंड बिकॉज वो ईजी नहीं होता है जहाँ पर लोग आजकल लड़कियों को नॉर्मली जो ड्रेस्ड अप चलते वक्त कहीं भी जा रही हैं उसमें ही नहीं छोड़ते हैं तो यू नो ऐसी चीज़ कर के लिए अगर कोई जा रहा है तो ऑब्वियसली छोटे शहरों या छोटे गांव में बहुत होता होगा वो बहुत चीज़ों से गुजरती होंगी तो आई थिंक आई टोटली अग्री विद इट शुरू में थी मुझे लगा पता नहीं वो कैसे शूट करते होंगे और पता नहीं कितना उन्होंने बहुत अच्छा सीन में भी अपना इनपुट दिया कुछ लाइन्स ऐड करवाई कुछ रिमूव करवाई किसी को बोला कि तू ऐसे कर तो अच्छा है इट्स वेरी नाइस वर्किंग विद हिम हाँ बीच में वो बात हुई थोड़ी और मैंने उनके साथ थोड़ा पंजाबी में भी बातचीत की काफ़ी अच्छी प्योर पंजाबी बोलते हैं फेल्ट नाइस यूर्स को ये कहना चाहेंगे अब तो अक्षय कुमार भी हमारे शो में आ गए अब जो नहीं देखते वो ज़रूर देखिए और जो देखते हैं वो यू नो दे शुड वेट फॉर द इंटरेस्टिंग सीक्वेंसेस करण नैना वेडिंग आ रही है बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं स्वाभिमान सो प्लीज़ कीप वॉचिंग